हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं 20 दिन से इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी खुद की शादी थी और मैं इतना ज़्यादा बिजी था हर एक चीज़ को लेकर के कि कहीं कुछ 19-20 ना हो मेरी शादी में। सब कुछ फाइनली अच्छे से हो गया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था यूट्यूब पर। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, तो अब बराबर वीडियो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। गाइज, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता चले कि किन किन लोग मुझे ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, कहाँ से मुझे प्यार मिल रहा है। तो मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करूँगा और अच्छी ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा। ये सब तो चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन मैं अभी क्या है, अभी मैं फाइनली जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वापस मैं आ गया हूँ दिल्ली में। मैं 20 डेज़ की छुट्टी लेकर के गया था, वो 20 डेज़ पूरा मेरा कवर हो गया है और अब मैं क्या है कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। सिर्फ मुझे अभी जॉब देखनी है और ब्लॉगिंग भी करनी है, क्योंकि ना मैं रेंट पे रहता हूँ, यहाँ पर मेरा खुद का मकान है नहीं, तो यहाँ पे मुझे रेंट वगैरह भी देना पड़ता है। मेरा जो रूम का जो रेंट है 5500 रुपये रूम रेंट है, छोटा सा है रूम 25 गज का, उसका रेंट इतना ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है कि छोटे से छोटा घर भी आप लोग। तो दोस्तों, इतने दिन के बाद आया हूँ, तो अभी क्या है मेरे घर पे अभी कुछ है नहीं खाने बनाने को, और अभी क्या है मैं जाऊँगा अभी सब्जी लेने, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि मैं जाते टाइम मैं सब कुछ फिनिश कर दिया था, टमाटर वगैरह जो भी बचे थे, मैंने कहा ख़राब होने से अच्छा है कि मैं कुछ बना लूँ इसका, क्योंकि यार इतनी महंगाई है, इतना यहाँ पे मेहनत करते हैं हम लोग, जॉब करते हैं, सभी करते हैं ऑलमोस्ट, मैं अकेला नहीं हूँ, सभी करते हैं। तो जैसे पैसा आता है इतनी मेहनत से, तो उससे पता चलता है कि यार बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो और हम ऐसी चीज़ों को वेस्ट ना करें, मोस्टली अगर नहीं बना पा रहे तो किसी को दे देते हैं कि वो चलो वेस्ट ना हो, बन जाए। तो आप जैसे सब्ज़ी वगैरह कुछ भी आपके घर में बच जाता है खाना वगैरह, तो प्लीज़ मेक श्योर आप फेंकिए मत उसको, किसी को दे दीजिए आप, ताकि उसका भी भला हो जाए और आपको भी सुकून मिल जाए। सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था यार, वहाँ पे बिल्कुल मन लग गया था। मेरा जो घर है प्रयागराज इलाहाबाद में है। गाइज, मेरा बिल्कुल आने का बिल्कुल भी मन नहीं था 1% का, लेकिन जॉब के चक्कर में आना पड़ा मुझे। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर अकेले आया हूँ, मेरी वाइफ नहीं आई है, वो करीब आएंगी 1 से 2 महीने बाद। तब तक के लिए मैं अकेले यहाँ पे खाना बनाऊँगा, सब कुछ सारे काम अकेले करना है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा, इस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, जो मेरा घर है प्रयागराज में है, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, और मैं 5 ईयर से दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ। तो मैं शादी के लिए प्रयागराज ही गया था, मेरी शादी वहीं से हुई है प्रयागराज से। तो मेरी जो छुट्टी थी वो सारी कवर हो चुकी है और मैं जॉब पे फिर से कल से मैं जाने लगा हूँ। तो दोस्तों, अब ब्लॉग बराबर मिलते रहेंगे, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे सपोर्ट करो और मैं आगे बढ़ सकूँ, आप लोगों के ऐसे ब्लॉग बना सकूँ, ताकि आप लोग भी खुश हो, अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग देख सको। और एक चीज़ और गाइस, मेरी और मेरे भाई की शादी दोनों आसपास ही हुई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि मेरे भाई की जो शादी हुई थी वो 22 अप्रैल को हुई थी और मेरी शादी 25 अप्रैल को हुई थी, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, और सब ने किया इंजॉय। और जो हमारा जो रिसेप्शन हुआ था, भोज जिसको बोलते हैं, 28 अप्रैल को हुआ था, वो क्या किया था हम लोगों ने, कंबाइंड कर लिया था, एक में ही दोनों का भोज हो गया था, दोनों भाई का। तो बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ था, मतलब सब कुछ बढ़िया हुआ था, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मंडी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ से सब्ज़ी लाऊँगा तो थोड़ा मुझे सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि यार शादी थी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं, जो मेरी सेविंग्स थी, जो मैंने कुछ पैसे कमाए थे, वो सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं, तो मैं बगल में ही चला जाता हूँ, केशवपुर मंडी है मेरे बगल में ही है, मतलब करीब 1 किलोमीटर है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ, वहाँ पर क्या होता है सस्ती सब्ज़ी मिल जाती है।
जाएगा। सब्जियाँ ले ली हैं जो जो मुझे पसंद था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारी चीज़ें जो जो मैंने ली हैं। सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये मैंने लिया है आधा किलो बैंगन और आधा किलो खीरा, तो 20 रुपए का बैंगन मिला है, सॉरी 20 रुपए किलो बैंगन था तो 10 रुपए का बैंगन मिला है, 20 रुपए किलो खीरा था 10 रुपए खीरा, मतलब 20 रुपए में ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। और यहाँ पर लिया है मैंने टमाटर, क्योंकि टमाटर इस टाइम महंगा है, ये मुझे मिला है 30 रुपए किलो, ये भी साइड कर देता हूँ। और मैंने लिया है आलू, लिया है मैंने करीब 2.5 किलो आलू लिया है, 2.5 किलो, 2.5 किलो ये मुझे पड़ा है 50 रुपए का, 100 रुपए का 5 किलो धरी 100 रुपए। और 30 रुपए किलो प्याज ली है मैंने, ये बड़ी बड़ी प्याज है, 30 रुपए किलो मुझे मिली है, ये भी साइड कर देता हूँ। और शिमला मिर्च मैंने ली है 1 केजी शिमला मिर्च मुझे मिला है 10 रुपए का ओनली, तो शिमला मिर्च आई थिंक ये सस्ती मिल गई है मुझे, कोई बात नहीं। और मैंने लिया है 10 रुपए का मिर्चा, 10 रुपए का, 30 रुपए किलो था तो मैंने 10 रुपए का ले लिया, मेरे लिए बहुत है 10 रुपए का। और लास्ट में मैंने लिया है दूध, जो कि डेयरी पे जाके मैंने लिया था, सुनील डेयरी है मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर, तो मैं लौटते टाइम मैंने कहा ये भी लेके ही चलता हूँ, तो फिर मुझे रात में लाना पड़ेगा, तो ये दूध मुझे मिला है 26 रुपीस का, जो कि 52 रुपीस केजी बिक रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, फिर से मिलेंगे कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।